हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे बार्क के आईटीआई वेल्डर ट्रेड के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो वेल्डर से आपका टेक्निकल सिलेबस में सबसे पहले रहेगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, उसके बाद है मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग। देखिए आर्क वेल्डिंग से क्या क्या रहेगा, आर्क वेल्डिंग के आपके टाइप्स रहेंगे, उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, उसका प्रोसीजर। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड से आपको क्या करेगा टाइप्स, इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स हो गया, मटेरियल कौन सा यूज होता है इलेक्ट्रोड्स के लिए, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोड्स के। उसके बाद आपका गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग से आपको क्या करेगा गैस वेल्डिंग के टाइप्स रहेंगे, उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट्स और गैस वेल्डिंग का प्रोसीजर। अब बात करते हैं वेल्डिंग ऑफ, तो जैसे स्टेनलेस स्टील पे वेल्डिंग किस प्रकार से की जाती है, क्या मेथड है वेल्डिंग करने के। उसके बाद कास्ट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड ब्रास, तो इन पर वेल्डिंग करने के क्या मेथड है, तो इसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद आपका सोल्डर एंड ब्रेजिंग, उसके बाद है आपका डिस्टोर्शन एंड कंट्रोल, उसके बाद है ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, उसके बाद है पाइप वेल्डिंग, उसके बाद है वेल्डेबिलिटी, उसके बाद है न्यूअर वेल्डिंग प्रोसेस, जैसे आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड लेजर बीम वेल्डिंग हो गया, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गया। उसके बाद है हार्ड फेसिंग, उसके बाद है वेल्डिंग डिफेक्ट्स, उसके बाद है इंफेक्शन एंड टेस्टिंग वेल्डिंग की। ये थी आपका वेल्डिंग का टेक्निकल सिलेबस। जनरली सामान्य तौर पर जो वेल्डिंग के कैंडिडेट्स हैं वे अपनी आईटीआई की बुक्स तो पढ़ते ही है, उसके अलावा जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आपको अपर लेवल के क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको डिप्लोमा लेवल की एक बुक आती है उसको भी स्टडी करके चलना चाहिए, ताकि आपके वेल्डिंग के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आप जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी आप इजीली करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम उसी बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये डिप्लोमा लेवल की बुक्स हैं, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हो। इसके स्टडी करने के बाद आपको वेल्डिंग के रिगार्डिंग किसी प्रकार के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप इजीली अपर लेवल के क्वेश्चन को भी क्रैक कर लोगे। तो ये थी इसके टेक्निकल सिलेबस के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसके नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल सिलेबस से जनरली आपका तीन सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका मैथमेटिक्स से 20 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 20, जनरल साइंस से 20 रहेंगे और आपका जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेंगे। तीन सब्जेक्ट आपके इसमें मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और आपका जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथ से आपका रहेगा, देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज रहेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, एवरेज एंड रेशो रहेगा, एसआई एंड सीआई रहेगा, वर्क एंड टाइम रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड रेशो है, अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स है, मेंसुरेशन है। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस से आपके तीन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में। तो फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, देखिए मोशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया, आई एंड कलरफुल वर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, फ्यूल होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया और आपका हीट। तो ये तो थे आपके फिजिक्स के टॉपिक। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में। तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स से आपका जनरली सबसे पहले रहेगा मैटर, मैटर से आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उसके बाद आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद है मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बाद है आपका एलिमेंट्स। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी से सबसे पहले आपका रहेगा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद आपका टीसूज, उसके बाद है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, प्लांट है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। तो ये तो था आपका बायोलॉजी का सिलेबस। देखिए जो आपका साइंस का सिलेबस है, जनरली आईटीआई में जब जो साइंस का सिलेबस आता है वो टेंथ लेवल का ही होता है, यानी कि टेंथ स्टैंडर्ड का ही सिलेबस आपका होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, ये एग्जाम जो होने जा रहा है इसमें आपके प्री एग्जाम में, यानी कि जिसमें आपका मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस रहेगा, इसमें आपके ओनली ऑन 50 क्वेश्चन ही आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब जनरल साइंस से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपके एग्जाम का लेवल बढ़ सकता है, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड रह सकता है। तो आपका सिलेबस तो टेंथ बेस्ड ही रहेगा, लेकिन आपको अपने क्वेश्चनों को स्टैंडर्ड लेवल पर भी प्रिपेयर कर चलना है साइंस में, जिससे आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चनों को क्रैक कर सको। तो ये तो आपका साइंस के सिलेबस के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसके जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में आपका सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स को वैल्यू दी जा रही है। भले ही आपके 10 क्वेश्चन आए जनरल अवेयरनेस में, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपको वहाँ जनरल अवेयरनेस से वो करंट अफेयर्स से आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स को हर एग्जाम में लगातार उसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते ही है। तो आप जनरली 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, अगर 6 मंथ के नहीं पढ़ सकते तो 3 मंथ ही करंट अफेयर्स पढ़कर चलिए, हो सकता है कुछ
क्वेश्चन एक या दो भी क्वेश्चन जो भी हो आपको कहीं ना कहीं वहाँ को करंट अफेयर्स को देखने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले और फिर आपको वहाँ फिर आप उन क्वेश्चनों को वहाँ इजीली करेक्ट कर पाओ। तो करंट अफेयर्स आप जनरली लास्ट 3 मंथ की पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो आप कम से कम 6 मंथ की पढ़कर चलिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। वरना अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 3 मंथ की आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अब जनरल अवेयरनेस में आपके 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। तो उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री से आपका देख क्या करेगा, हड़प्पा हिंदू सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता है, रिलीजियस मूवमेंट है जिसमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड है, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय है। ब्रिटिश पीरियड से आपका रहेगा गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। उसके बाद आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद दंगाधीरा। देखिए जो ये सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम, ये आपको यानी कि आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना शुरू कर दो, आईटी भी लेवल का एग्जाम है तो आप इसका बेसिक स्टडी कर चलिए। आप एसएससी सीजीएल की तरह जिस प्रकार से आप वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं एसएससी सीजीएल वाला, तो उसके लेवल के हिसाब से ऐसे एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से आपको स्टडी नहीं करना है, आपको बेसिक स्टडी करके चलना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सारा सिलेबस, यहाँ पे आपका डिटेल में सिलेबस है, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप बेसिक स्टडी कर लीजिए, यानी कि आप जनरल अवेयरनेस से फोकस करना शुरू कर दो। आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपका टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, और सभी सब्जेक्ट को इक्वली स्टडी करके चलना है। उसके बाद बात करते हैं जियोग्राफी की। ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस, इसमें लास्ट में पॉइंट थे द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और दंगाधीरा। अब बात कर लेते हैं जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी से आपको रहेगा प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स, इजलैंड, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, मैप लाइंस, इंपोर्टेंट ट्राइब्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी से आपका जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन से उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है, द सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट्री टर्म्स है, इंपॉर्टेंट कमीशन है। तो ये था आपका पॉलिटी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं आपके इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में। इकोनॉमी से आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, GDP है, टैक्स सिस्टम है, GST है, इकोनॉमीज कमेटीज एंड कमीशन है, बजट है, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये था आपका इकोनॉमी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस हो गया, बुक्स एंड अथर्स हो गया, स्पोर्ट्स एंड गेम हो गया, कमेटीज एंड कमीशन हो गया, इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गया, रिफॉर्म एक्ट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। तो ये था आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस बार्क के IT वेल्ड ट्रेड के रिगार्डिंग। तो ये आपका फुल डिटेल सिलेबस है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बार्क के IT वेल्ड ट्रेड के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के रिगार्डिंग जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।